स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन और अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड किए थे, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिला, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो चैप्टर है मशीन टूल टेस्टिंग मेट्रोलॉजी के अंदर, इसके ऊपर के पूरे वीडियो बनाऊँ। तो आज के वीडियो में देखना है हाउ टू चेक ए पैरेललिज्म बिटवीन टू प्लेन्स, बिटवीन टू एक्सिस एंड बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस, ये कवर करना है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो पहला केस क्या है, पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स। पहली बात तो ये आती है कि पैरेललिज्म मतलब क्या। देखा जाए तो यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पे एक प्लेन है, तो ये दो प्लेन बीच में का जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आप अगर किसी भी पॉइंट पे मेजर करते हो तो क्या होना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। वो डिस्टेंस बिटवीन ये दो प्लेन के बीच में का जो डिस्टेंस है, वो किधर भी मेजर किया किसी भी पॉइंट पे तो वो सेम आया। तो ये क्या कह सकते हो आप, ये दो प्लेन क्या है, पैरेलल है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो अभी ये तो आइडियल कंडीशन है, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, जो मशीन मैन्युफैक्चरर है, वो बोल रहा है कि ये दो प्लेन है मशीन के, ये दोनों परफेक्टली पैरेलल है, ये तो पॉसिबल नहीं, आइडियल कंडीशन है। तो क्या है कि आपको, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई बायर है मशीन का, तो उनको क्या करना पड़ता है कि एक मिनिमम वैल्यू मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि डिसाइड करके देता है कि ये जो मशीन है, ये मशीन का ये इतना मिनिमम पैरेललिज्म है। तो अगर यूज़र को वो एक्सेप्टेड है तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये पैरेललिज्म मशीन में कहाँ होता है। अगर आप लेथ मशीन का ये लेते हो, बेड लेते हो जिसके ऊपर आप टेलस्टॉक स्लाइड करते हो, तो वो अगर परफेक्टली आपके एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है तो जॉब आपका अच्छा मैन्युफैक्चर नहीं होगा। सेम आप किसी मशीन के ऊपर दो प्लेन आ सकते हैं, दो प्लेन का एग्जांपल आऊँगा तो मैं वो टाइम पे आपको बता दूंगा। तो अभी ये चेक कैसे करना है, देखो मैंने क्या किया, जो मेरा बेस है फ्लैट बेस, मैंने क्या किया वी ब्लॉक का यहाँ पे रखा, और मेरा जो डायल इंडिकेटर का प्लंजर है मैंने ऊपर का जो सरफेस है उसको टच किया। बाकी प्रोसीजर मालूम है आपको, अंदर का जो प्रेशर लीवर रहेगा मैं एक के या दो पे प्रेशर पे सेट करूँगा। फिर मुझे क्या करना है, ये फ्लैट बेस क्या करना है, मूव करना है ये साइड और ये साइड, दोनों साइड मूव करके देखना है कि ये दोनों प्लेन में कितना पैरेललिज्म है। अगर मेरी मिनिमम वैल्यू इतनी आती है तो मैं मशीन को एक्सेप्ट कर लूँगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट है, अभी ये दो प्लेन हो गए, फिर इसके बाद आता है दो एक्सिस, ये एक एक्सिस है और ये एक्सिस है, ये दो एक्सिस का मुझे क्या करना है, पैरेललिज्म चेक करना है। इसलिए मैंने क्या किया, वी ब्लॉक को क्या किया मैंने, वो एक्सिस के ऊपर उल्टा रखा है वहाँ पे, और डायल इंडिकेटर का पॉइंट मैंने क्या किया, एक एक्सिस को यहाँ पे टच किया। तो ये डायरेक्शन में है, ऐसे आपको आई बात समझ में, ये दो ऐसे एक्सिस है और मैंने वी ब्लॉक को क्या किया, इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखा है। तो अभी क्या करूँगा मैं, वी ब्लॉक पॉइंटर जो है मेरा डायल इंडिकेटर यहाँ पे टच है, और उसको क्या करूँगा मैं, ये डायरेक्शन में ऐसे मूव करूँगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में। तो मुझे क्या पता चलेगा, ये दो जो एक्सिस है वो कितने एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका पैरेललिज्म बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन। उसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा प्लेन है उसका फ्लैट बेस मिला मुझे, मैंने वहाँ पे क्या किया, अपना वी ब्लॉक का बेस रखा, फिर डायल इंडिकेटर का जो पॉइंट है मैंने क्या किया, जो एक्सिस है एक्सिस को ऊपर यहाँ पे टच किया। तो मैंने अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फ्लैट बेस है उसको मैं मूव करूँगा और यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मार्किंग करूँगा। मार्किंग करने के बाद मुझे ये पॉइंट पे कितना डिविएशन आता है, ये पॉइंट पे कितना डिविएशन आता है, वो नोट डाउन करूँगा। और वो अगर मेरे एग्रीड यूनिट्स में है या एग्रीड वैल्यू में है तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो फिर मशीन को रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। पैरेललिज्म ऑफ एक्सिस विथ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अपने वी हैव सीन दैट पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स, पैरेललिज्म बिटवीन टू एक्सिस एंड पैरेललिज्म बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन। अभी यहाँ पे क्या है, दो प्लेन है, एक प्लेन है और एक प्लेन है और फिर यहाँ पे एक्सिस है, तो इसके साथ आपको पैरेललिज्म चेक करना है। तो कैसे करना है, मैंने क्या किया, वी ब्लॉक को यहाँ ये दो प्लेन पे उल्टा रख दिया और फिर ये जो मेरा डायल इंडिकेटर पॉइंटर है मैंने क्या किया, एक्सिस को टच किया। कंसिडर कीजिए मेरा ये एक्सिस है और ये मेरा पॉइंटर है, मैंने क्या किया यहाँ पे टच किया, और ये जो वी ब्लॉक है वो क्या करूँगा मैं, प्लेन पे उसको स्लाइड करूँगा। जैसे ये स्लाइड करेगा ऐसे, तो मुझे ये कंडीशन में पता चलेगा कि ये जो मेरा एक्सिस है ये ऐसे डायरेक्शन
वर्टिकल जो डायरेक्शन है इसमें ऐसे नीचे गया ऊपर गया है, ठीक है, ये मूवमेंट में। फिर मैं ये जो डॉटेड कंडीशन है, डॉटेड कंडीशन में क्या करूँगा, मैं अभी पहले पॉइंटर यहाँ पे था, मैं अभी पॉइंटर क्या करूँगा इस डायरेक्शन में टच करूँगा तो क्या होगा, और ऐसे स्लाइड करूँगा ये, तो मुझे पता चलेगा ये जो एक्सिस है ये ऐसे शिफ्ट हुआ है या ऐसे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये ऐसे पैरेललिज्म ऑफ एक्सिस विथ टू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ऐसा आपका ये था। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।